पवित्र महीना माने जाने वाले सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है। कांवरिया कंधे पर कांवड़ लेकर बोल बम का नारा लगाते हुए बावा नगरी पहुंचने लगे हैं। वहीं कांवरियों के चेहरे पर लंबे पैदल यात्रा की थकान भी देखी जा सकती है, लेकिन जैसे ही कांवरिये दुम्बे में प्रवेश कर रहे हैं उनके शरीर की सारी थकान बाबा के धरती पर आधी हो जा रही है। वहीं शिव गंगा में स्नान करने के बाद कांवरियों को राहत भी मिल रही है। श्रावण मास कृष्ण पक्ष मेले के दूसरे दिन बुधवार को पुजारी नीरज झा ने बाबा की परंपरागत तरीके से बाबा बैद्यनाथ की विशेष पूजा की। श्रावण मास कृष्ण पक्ष द्वितीय तिथि बुधवार को सुबह 3:05 पर एसपी सुभाष चंद्र जाट की देखरेख में बाबा का पट खुलवाया गया, जिसके बाद बाबा की दैनिक पूजा करने पुजारी एवं मंदिर दारोगा के साथ गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। सरदारी पूजा से पहले मंगलवार को चढ़े श्रृंगार की सामग्री को हटाया जाता है, जिसके बाद बाबा के शिवलिंग को सफेद मलमल के कपड़े से सफाई की जाती है। फिर मंत्रोच्चारण के साथ ही कांचा जल अर्पित किया जाता है। इसके साथ तीर्थ पुरोहितों ने बाबा का कांचा जल अर्पण कर हर हर महादेव व ओम नमः शिवाय का जयकारा लगाया और फिर शुरू हुई पूजा। वहीं पूजा के बाद सुबह 4 ही भक्तों के लिए पट खोल दिए गए, जिसके बाद पूरे मंदिर में कांवरियों की भीड़ देखने को मिली। श्रावण मास के दूसरे दिन भक्त सुबह से ही कतार में लगे हुए थे। कांवरियों की कतार नेहरू पार्क तक पहुंच गई थी। वहीं मंदिर का पट खुलते ही भक्तों में उत्साह भर गया। भक्तों का जलसा चिल्ड्रन पार्क से होते हुए शिवराम झा चौक होते हुए मानसरोवर क्यू कॉम्प्लेक्स से फुट ओवर ब्रिज से मंदिर गर्भगृह प्रवेश कराया गया। इस दौरान सभी भक्तों ने अर्घा के माध्यम से बाबा भोलेनाथ को जल अर्पण किया और इस जल अर्पण के साथ ही वहां पर लगे हर हर महादेव व जय शिव के नारे। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।